जमीता उलेमा जो संस्था है जिन्होंने कॉरपोरेशन को कोविड 19 में खाना देने में जो मदद की है, तो वो कल से वो बंद करने वाले हैं। तो पिछले दो महीने में उन्होंने जो कॉरपोरेशन की मदद की, तो उसमें जिन लोगों ने या जिन नए तरुण लोगों ने उसमें भाग लिया और उन्होंने बहुत मदद की, तो उनका हौसला अफजाई करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैं जमीयत उलेमा का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत कठिन वक्त में मदद की है। हमने उनको सिर्फ चावल दिए थे, बाकी सब खाना उन्होंने परोस कर सब जगह पे बांटा है। उस वक्त उनके जो भी वॉलंटियर्स थे उन्होंने कुछ भी दाम न लेते हुए जमीयत उलेमा की तरफ से काम किया है, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि जब वो ऐसा वक्त था कि तब कोई आगे आ नहीं रहा था और हमें एक अलग किस्म का खाना वो देना था, जो कि हमारे पास वैसी व्यवस्था नहीं थी। जमीयत उलेमा आगे आई और उन्होंने इसमें हमें बहुत मदद की। मैं उनका दिल से तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। आज यहाँ फलाह उम्मा ट्रस्ट यहाँ गार्डन के अंदर एक तकरीब थी, जिसमें क्वारंटाइन और पेशेंट लोगों को जो खाना जमीयत उलेमा की तरफ से दिया जा रहा था उसका यह आखिरी दिन था। 70 दिन अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और इस दौरान जो है तकरीबन 30,500 से ज़ायद पैकेट जो है खाने के अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत की तरफ से मुफ्त तकसीम हुए। और ये सब जो हुआ है मुखय्यरान मिल्लत जो कौम मिल्लत के जो हमारे हैं उनकी ताउन से हुआ है। और इस सिलसिले के अंदर कोई बिल वगैरह या कॉरपोरेशन की या किसी चीज़ की सरकारी कोई इमदाद हमको नहीं मिली है। कुछ क्विंटल चावल मिले हैं और बाकी अपनी तरफ से जो है जो मुखय्यरान कौम मिल्लत है उन लोगों के ताउन से ये काम हुआ है। ख़ास तौर पर जो कमालपुरा, मोमिनपुरा, इस्लामपुरा और नयापुरा, इसके नौजवान ने मिल करके पूरा काम किया तकसीम से ले करके। और आज ये आखिरी दिन इसलिए है कि भाई मालेगांव के अंदर सेंट्रल हलके के अंदर कोई पेशेंट और क्वारंटाइन वगैरह कोई है नहीं, तो इसलिए कमिश्नर साहब की इजाज़त से ये सिलसिला भी बंद किया जा रहा है। और इस सिलसिले के अंदर काफ़ी जो जिन लोगों ने ताउन किया माली तौर पर मुखय्यरान, उन लोगों का ख़ास तौर पर शुक्रिया। और उसके बाद जो नौजवान बुज़ुर्ग हमारे इसके अंदर बिला तफरीक मज़हब मिल्लत लगे रहे, उन लोगों को भी शुक्रिया जमीयत उलेमा की जानिब से।